साहब जो कि अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। अब मैंने 2 से 3 मिनट में अपनी हाजिरी पेश करके किबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असगर अली रिजवी साहब की खिदमत में माइक देना है। आप दोस्त करीब करीब हो जाएं, मैं पहले से भी कह रहा हूँ वो जो पीछे बैठे हैं आगे हो जाएं थोड़ा सा, और महफिल में ज़ौक बिल्कुल ख़त्म है। मोहब्बत से ज़रा कहें सुभान अल्लाह, गज वाज भी कहते सुभान अल्लाह। मैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के चंद शेर पढ़कर अल्लामा साहब को दे रहा हूँ दावत। डॉक्टर साहब ने लिखा कि जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही। ज़रा पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं तवज्जो करेंगे बात पर, और यही मेरा आज का मैसेज है इस महफिल पाक से कि जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। जब इश्क सिखाता है असरारे शहनशाही, और डॉक्टर इकबाल ने यह भी बता दिया कि इश्क है क्या। डॉक्टर साहब ने लिखा कभी तन्हाई हो कोह दमन इश्क, कभी तन्हाई हो कोह दमन इश्क। अलामा साहब तशरीफ फरमाए हैं और कारी साहब भी बैठे हैं, इन्होंने नबी के जो 4 यार हैं उनका तज़किरा किया। मैं भी डॉक्टर अल्लामा इकबाल की ज़ुबानी करना चाहता हूँ कि जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदा आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। पहला खत इंग्लिस्तान से जावेद इकबाल के नाम लिखा गया, जिसमें डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे को खुद ही पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि खुद ही कि खुद को खुदा से मिला देने का नाम खुद ही है। बंदे हुर को खुद कहते हैं, मौला हुसैन को खुद ही कहते हैं कि जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। ऐ तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो बर्बाद में कोताही। जिस रिज़्क़ से कभी तन्हाई हो दमन इश्क, कभी तन्हाई हो जिसे तन्हाई याद हो वो बोले जरा, कभी तन्हाई हो दमन इश्क। आपको पता नहीं डॉक्टर साहब ने बात क्या कर दी, अगर पता होता सुभान अल्लाह कहते। कभी तन्हाई हो, कभी तन्हाई हो तवज्जो चाहिए, कभी तन्हाई हो दमन इश्क, जिसे गारे शोर की तन्हाई याद हो वो बोले जरा, जो 3 दिन मुसलसल गारे शोर में यार को तकता रहा है, यार को देखता रहा है, कहते उसे सिद्दीक़ अकबर। यही डॉक्टर इकबाल ने कहा कभी तन्हाई हो दमन इश्क, और आगे लिखा कभी सोनो सुरूरो अंजुमन इश्क, कि जब बोले तो दुनिया को पता चल जाए कि कोई बोल रहा है, किसी की जुबान में सोज है, मैं बात उम्र फारूक ही कर रहा हूँ। कभी सोजो सुरूरो अंजुमन इश्क, और कभी सरमायाए मेहराबों में मिंबर। आज भी मिंबर पर कुरान पढ़ा जाता है और उस जमा करने वाले का नाम उस्मान गनी। कभी सरमायाए मेहराबों में मिंबर इश्क, और आखिर शेर पढ़ा इसका मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आपके उठे हुए हाथ इस बात की दलील है कि आपको समझ आ गया है। कभी सरमायाए मेहराब और मिंबर इश्क, और कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क। कभी तन्हाई हो कोह दमन इश्क, कभी सोजो सरूरो अंजुमन इश्क, कभी सरमायाए मेहराब और मिंबर इश्क, और कभी मौला अली कैबल शिकन इश्क। आप हजरात नारा सुनाएं, मैं माइक किबला लाम साहब की खिदमत में दूं। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। किबला अलामा मुफ्ती साहब।